ओके गाइस, सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 1500 VDC सिस्टम का क्लैंप मीटर। यस, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1500 VDC क्या हो गया होगा, मतलब क्या है सिस्टम। तो अभी तक गाइस, अगर आप अपने साइट पे देख रहे होंगे तो जो भी आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग वोल्टेज टेस्ट कर रहे थे अपने किसी भी सोलर प्लांट का, ठीक है, तो उसमें आप देखते होंगे कि एक जो स्ट्रिंग बनती होगी 20 मॉड्यूल की, 18 मॉड्यूल की, 21 मॉड्यूल की, जो भी उसके वोल्टेज रेटिंग है, तो उस हिसाब से जो सिस्टम वोल्टेज रहता था वो 1000 वोल्ट VDC का सिस्टम रहता था। तो अगर उससे एसोसिएटेड कोई, अगर आप गाइज इक्विपमेंट भी देखते थे, चाहे वो आपका सोलर मॉड्यूल का पीछे का बैक स्टिकर हो या आपके इन्वर्टर के स्पेसिफिकेशन स्टिकर हो, तो उसमें दिया रहता था कि सिस्टम का जो मैक्सिमम वोल्टेज आपको अटेन करना है दैट विल बी 1000 VDC, 1000 VDC, ठीक है। लेकिन अभी गाइस क्या हो गया है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, मटेरियल कॉस्ट बचाने के लिए और सिस्टम से ज़्यादा एनर्जी ड्रॉ आउट करने के लिए, जो सिस्टम एफिशिएंसी है उसको और बढ़ाने के लिए, जो हमने अपना वोल्टेज का बैरियर है 1000 से इंडस्ट्री ने पुश करके उसको 1500 कर दिया है। तो अभी तक क्या है कि जो भी हम स्ट्रिंग वोल्टेज टेस्ट करते थे तो वो हम एक नॉर्मल क्लैंप मीटर, DC AC DC क्लैंप मीटर से चेक करते थे, जिसकी मैक्सिमम वोल्टेज टेस्ट करने की रेंज होती थी वो 1000 वोल्ट की होती थी। उससे ज़्यादा का अगर आप मेजर करोगे तो यूजुअली आपका क्लैंप मीटर अगर फ्यूज़ प्रोटेक्टेड नहीं होगा, जैसे फ्लूक का आता है, तो वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। आपको मालूम है कि एक सर्टेन रेंज होती है, अपने डिवाइस को हम सर्टेन रेंज पे ही सेट करके उस AC DC पैरामीटर चेक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर हम रेटेड वोल्टेज या करंट पे चेक करते हैं और हम स्टैंडर्ड उतने का नहीं रहता है, तो आपका इक्विपमेंट बर्न हो जाएगा। तो अभी जैसे जैसे मार्केट गाइज आपका अपग्रेड हो रहा है, तो वैसे वैसे इक्विपमेंट भी अपग्रेड हो रहे हैं। तो अभी स्टार्टिंग में मैं भी 1500 VDC सिस्टम के साथ डील करने लगा था, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि यार उसको टेस्ट करने के लिए तो मुझे इक्विपमेंट नहीं मिल रहा है। तो लकली एक इक्विपमेंट फिर मैंने परचेज़ किया, तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग जो परेशान हो रहे होंगे कि सर मुझे 1500 VDC का सिस्टम नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको एक इक्विपमेंट दिखा देता हूँ कि जो मैंने यूज़ किया है एंड इट इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें दिया हुआ है कि वोल्टेज आप इसमें मैक्सिमम DC वोल्टेज जो आप इसमें चेक कर सकते हो दैट इज़ 1700 वोल्ट, और AC वोल्टेज 1000 वोल्ट तक इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, हायोकी का ये जापान मेड इक्विपमेंट है, इट्स मेड इन जापान, ठीक है। तो लकली यहाँ पे एक दुबई बेस्ड शॉप है, तो वहाँ पे मैंने ख़रीद लिया। दे आर द सप्लायर्स ऑफ हायोकी ऑल द इक्विपमेंट्स। तो इसके अलावा अभी मैंने फ्लूक में भी काफ़ी चेक किया, मतलब फ्लूक में 1500 VDC का नहीं आ रहा है। जस्ट इन केस अगर आ जाता है सो ऑब्वियसली इट विल बी अवेलेबल, लेकिन अगर आप मार्केट में अभी अगर आप सर्च करोगे सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड वन। सो ये जो क्लैंप मीटर है गाइज, इसका इंडिया में अगर आप लोएस्ट जो MRP लोग ऑफर कर रहे हैं दैट इज़ अराउंड 30,000। यहाँ पर मुझे पड़ा है ये इक्विपमेंट दुबई में, इट्स अराउंड 1500 AED, ठीक है। तो अभी मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी कम है, डिमांड कम है, तो बहुत सारी कंपनियां कम इसको बना भी रही हैं, तो इसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में जब मार्केट में हर जगह स्टैंडर्ड VDC का सिस्टम हो जाएगा 1500 का, सो ऑब्वियसली इसका प्राइस भी नीचे चला जाएगा। तो करंटली अगर आपने अभी देखा भी होगा तो बहुत सारे जो फ्यूजेस, NGT इन्वर्टर्स और अलग अलग मेक के आने लगे हैं, तो फ्यूजेस का भी सिस्टम वोल्टेज 1000 VDC से बढ़ा के 1500 VDC कर दिया गया है। तो उसी के कंपेरिजन में अगर आप देखोगे नए MC4 आ रहे हैं, वाई कनेक्टर्स आ रहे हैं, स्विच गियर्स आ रहे हैं, SPD आ रहे हैं, तो सब कुछ इसी के तरीके से जैसे जैसे स्टैंडर्ड मार्केट में स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है फ्रॉम 1000 वोल्ट VDC टू 1500, तो इक्विपमेंट की रेटिंग भी चेंज हो रही है। तो अगर आप किसी सोलर प्लांट में डील कर रहे हो जहाँ पे आपका मार्केट स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 1500 है, तो आपका नॉर्मल क्लैंप मीटर वहाँ पर नहीं चलेगा VOC मेजर करने के लिए, आपको एक 1500 VDC का ऐसा क्लैंप मीटर चाहिए होगा। सो इट इज़ वेरी हैंडी, जस्ट लाइक अ वेरी नॉर्मल क्लैंप मीटर। बस इसका एक USP बस यही है कि आप जो है इसमें वोल्टेज जो है मोर देन 1000 VDC आप इसमें चेक कर सकते हो, बाकी इसमें सारे पैरामीटर्स वही हैं जो एक नॉर्मल क्लैंप मीटर में होता है। एक टोंग है, बाकी आपका जॉक डायल है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेटिंग चेंज करो, होल्ड बटन है, रीसेट बटन है, सो ऑल दीज थिंग्स, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो गाइज इसी के तरीके से आपका जो DC टेस्टिंग इक्विपमेंट जितने भी हैं तो उसमें आपको वोल्टेज शिफ्ट दिखेगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल्सो अपग्रेडिंग एज़ पर दी अपकमिंग टेक्नोलॉजी। तो ये क्लैंप मीटर मेरे पास आया, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे मेरे से कि सर 1500 VDC क्लैंप मीटर कहाँ मिलेगा। सो दिस इज़ द डिवाइस, द मॉडल नंबर एस CM4373। इसका एक हायर मॉडल भी है जिसमें इनबिल्ट ब्लूटूथ आता है, तो एक मोबाइल ऐप के साथ आप इस अपने डिवाइस को पेयर कर सकते हो, तो वो भी फीचर अवेलेबल
अवेलेबल है। हालांकि दैट फीचर वॉज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी, सो आई परचेज अ स्मॉलर वन CM4373। तो उसका मैंने आपको वीडियो बना दिया है, तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो इस इक्विपमेंट को, इसकी वेबसाइट पे जाना चाहते हो और डिटेल जाना चाहते हो, सो ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ देयर इन द वीडियो लिंक, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो अगर आपको गाइज इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल सस्टेनेबल एवरी डे, और सोलर से रिलेटेड और भी अगर आपको वीडियोज़ देखने हैं, सो इट्स अवेलेबल ऑन माई चैनल एंड देर विल बी अपकमिंग न्यू वीडियोज़ एज वेल रिलेटेड टू सोलर टेक्नोलॉजी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़।